नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में आज पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में पीएम मोदी की जुल्फिकार और करीमुल हक से मुलाकात की बात। पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता का स्वाद चखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को जब वह बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके इस्तकबाल के लिए वहां एक खास शख्स मौजूद था। सामने पड़ते ही मोदी ने उन्हें बहुत ही गर्मजोशी से झप्पी दी। वह खास शख्स बंगाल के समाज सेवी और बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से मशहूर करीमुल हक थे। दोनों की गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीर चर्चाओं में है। पहले जुल्फिकार, अब करीमुल संयोग या प्रयोग। एक हफ्ते पहले ही 3 अप्रैल को सोनारपुर में जालीदार टोपी पहने एक मुस्लिम युवक की पीएम मोदी के साथ मुलाकात ने काफी चर्चा बटोरी थी। बाद में जुल्फिकार नाम के उस शख्स ने प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधे थे। पहले जुल्फिकार और अब करीमुल हक से पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात महज संजोग तो नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं न कहीं सियासी प्रयोग ज्यादा लग रहा है। ममता को खुद को हिंदू बताना पड़ रहा, अब मुस्लिम वोटों पर भी बीजेपी की नजर। बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। इसके जरिए बीजेपी बड़ी चतुराई से हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इसी रणनीति को पुंद करने के लिए ममता बनर्जी खुद को सच्चा हिंदू बता रही हैं, गोत्र तक बता रही हैं, रैलियों में चंडी पाठ करती दिख रही हैं। नंदीग्राम में तो उन्होंने पर्चा दाखिले से लेकर कथित हमले में पैर में चोट लगने तक चुनाव प्रचार में मंदिर मंदिर माथा टेका। एक तरफ से तो बीजेपी हिंदू वोटों को एकमुश्त अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ममता के मुस्लिम वोट बैंक में भी सेम के लिए जोर लगा रही है। यह इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि अल्पसंख्यक समुदाय में यह संदेश जाए कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर ही चल रही है। जुल्फिकार और करीमुल से प्रधानमंत्री की मुलाकात इसी संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश है। क्या ममता का मुस्लिम वोट बैंक तरक जाएगा? बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है। 2011 से टीएमसी की जीत में मुस्लिम वोटरों की भूमिका काफी अहम रही है, लेकिन इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नए नवेले इंडियन सेकुलर फ्रंट से ममता के इस वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। प्रभावशाली फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा कभी ममता के बेहद करीबियों में शुमार थे, लेकिन अब वह पहली बार नई पार्टी बनाकर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उनके ही खिलाफ चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। मुस्लिम वोटों के लिए दिलचस्प जंग। ममता एक तरफ तो खुद को सच्चा हिंदू साबित करने में जुटी है, लेकिन साथ में उन्हें यह भी भान है कि कहीं इस चक्कर में उनका ठोस मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल न जाए। यही वजह है कि एक चुनावी रैली में वह असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को कोसते हुए मुस्लिम वोटरों से वोट न बटने देने की अपील की, के लिए उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस तक मिला। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता की इस अपील को लपक लिया। उन्होंने ममता के ही बयान को बड़ी ही चतुराई से ऐसा घुमाया कि इशारों इशारों में हिंदू वोटरों से बीजेपी के पक्ष में एकजुट होने की अपील कर दी। मोदी ने कहा कि ममता दीदी मुस्लिमों से जिस तरह की अपील कर रही हैं, वैसी अपील अगर वह हिंदुओं से कर दे तो उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाएगा। क्यों अहम है मुस्लिम मतदाता? पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी करीब एक तिहाई हिस्सेदारी मुसलमानों की है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 145 सीटों पर मुस्लिम वोट हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी है जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान है। 16 सीटें ऐसी है जहाँ इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30% है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। दक्षिण 24 परगना, नादिया और वीरभूम जिले में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। बंगाल में तीसरे चरण के बाद वाली तमाम सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में हर चरण के खत्म होने के साथ मुस्लिम वोटों को साधने की जंग तेज होती जाएगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।